हेलो एवरीवन, आज हम सिक्स क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 9 सजीव विशेषताएं और आवास में दिए गए कार्य पत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं पाठ 9 सजीव विशेषताएं और आवास। और इसका यहाँ पर कार्य पत्रक 1 दिया है और इसमें लिखा है कि प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाई जाने वाली 2 सजीव और 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसने पूछा है कि आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं। तो जो सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव यानी कि जो जीवित होती हैं, सजीव, सजीव का मतलब होती है जो वस्तुएं चल फिर सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, जो सांस लेती हैं, जो बढ़ती हैं, वो होती है सजीव। और निर्जीव क्या होती है? निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जो अपने एक ही स्थान पर रहती हैं, गमन नहीं करती हैं, बढ़ती नहीं है, सांस नहीं लेती हैं, अपना भोजन नहीं बना सकती है, ना वो कुछ खा सकती है। तो ये होती हैं निर्जीव चीज़ें। अब इसने कहा है कि अपने आसपास 2 सजीव 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दीजिए। तो अपने आसपास जैसे कि हमारी किताबें हैं, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड हैं, हमारे बैठने के जो बेंच हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज हैं, ये निर्जीव वस्तुएँ हैं। और सजीव वस्तुओं में, सजीव वस्तुओं में आ जाते हैं जैसे कि आप बच्चे, सजीव हैं, बढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर भी आसानी से जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमारे भैंस है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सजीव वस्तुएं होती हैं। अब यहाँ पर इसने यहाँ एक तालिका दी है और इसमें पूछा है पेड़ जो है वो सजीव है या निर्जीव है। तो पेड़ जो है वो सजीव है, पेड़ सजीव में आ जाएगा। बच्चे, बच्चे भी सजीव हैं, बढ़ते हैं, खाना खाते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। भैंस, वो भी सजीव है। पेन, ये निर्जीव है, पेन जो है वो निर्जीव है। किताब है, वो भी निर्जीव है। मेज, ये भी निर्जीव में आ जाएगी, निर्जीव है ये भी। बादल, बादल भी जो है वो निर्जीव है, बादल भी निर्जीव में आ जाते हैं। वैसे एक दूसरे से हैं पर तो ये जाते हैं, लेकिन जो हैं ये बढ़ते नहीं हैं, इन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मेंढक है, ये सजीव हैं। कबूतर है, ये भी सजीव है। अब इसी तरह यहाँ कार्य पत्रक 2 दिया है और इसमें लिखा है कि प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? ये तो पता ही चल गया आपको। अपने आसपास पाई जाने वाली 2 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण दें। तो ये अभी मैंने ऊपर बताया है आपको। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता भी ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दे रखा है ना इसने, ये यहाँ लिखना चाहिए था कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर दें। क्या सजीव वस्तुएँ चलती हैं? हाँ, तो सजीव वस्तुएँ क्या होती है कि सजीव वस्तुएँ जो है चलती हैं। क्या सजीव वस्तुएं सांस लेती है? हाँ, सांस लेती है। क्या सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है? हाँ, ये बढ़ती हैं। क्या सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती है? हाँ, उत्सर्जन का मतलब होता है अपने शरीर से ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती हैं, जैसे कि पोटी वगैरह बाहर निकालना, ठीक है, तो ये उत्सर्जन करती हैं। क्या सजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती हैं? हाँ, तो ये जो है हम इसमें लिख सकते हैं। एक इसमें यहाँ पर पहला आया था बच्चों कि क्या सजीव वस्तुएं चलती हैं। हाँ, सभी वस्तुएं चलती हैं, लेकिन एक पौधे हैं जो चलते नहीं हैं, ठीक है। तो सजीव वस्तुओं में पौधे नहीं चलते, बस पौधे के लिए जो है आएगा नहीं, और बाकी सभी जो वस्तुएं सजीव वस्तुएं हैं वो चलती हैं। अब यहाँ कार्य पत्रक आया है 3 और इसमें है कि नीचे दिए गए चित्रों को देख कर ये बताएं कि इनमें से कौन से मरुस्थलीय, समुद्री, जंगली, पर्वतीय जीव हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, बताओ, ये है ऊँट। ये ऊँट है,
और कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में, तो ये मरुस्थलीय लिखेंगे हम यहाँ पर, मरुस्थलीय। ये है शेर, शेर क्या है, ये जंगली है, जंगल में मिलता है। ये है हिरण, हिरण, हिरण कहाँ मिलती हैं बताओ, जंगल में मिलती हैं, ये जंगली हैं। ये है मगरमच्छ, मगरमच्छ ऐसे यहाँ लिख देंगे, मगरमच्छ कहाँ पाया जाता है, ये समुद्री है, समुद्र में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये है मछली, ये मछली है, ये मछली आपको साइड में लिख देना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसके ऊपर, लेकिन आप साइड में लिखेंगे। ये मछली है, ये भी समुद्री है, समुद्र में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो आगे देख रही ना बच्चों आप, ये है केकड़ा, यहाँ इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, आपको साफ दिखाई दे जाएगा। ये है केकड़ा, ठीक है, केकड़ा जो है ये भी समुद्री है, समुद्री लिखेंगे। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप, ये है याक, याक ये पर्वतीय है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपने ये देख रहे हैं लास्ट में जो, ये कैक्टस है, ये कैक्टस, कैक्टस, और ये जो है मरुस्थलीय है, मरुस्थल में पाया जाता है, तो हम यहाँ ये जो कैक्टस है यहाँ मरुस्थलीय लिखेंगे, मरुस्थलीय। अब आगे कार्यपत्रक चार आ जाता है, और इसमें है अपने बड़ों के साथ चर्चा करें, ऊँट रेगिस्तान में ही क्यों मिलता है, ये चर्चा करना है इस बारे में कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में क्यों मिलता है। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, और इसकी टांगें लंबी होती है जिससे रेत की गर्मी उसके शरीर तक नहीं पहुँच पाती है, इसके पैर चौड़े होते हैं, वे रेत में ज़्यादा धंसते नहीं हैं, इसलिए ऊँट रेगिस्तान में ही मिलता है। नेक्स्ट है कि मछली पानी में क्यों रहती है, क्योंकि मछली के गलफड़े होते हैं, धारा रेखीय आकृति होती है, शरीर पर चीखने सल्ख होते हैं जो तैरने में भी इसकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ आगे है कि याक पहाड़ों पर ही क्यों मिलती हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि इनके लंबे बाल होते हैं और त्वचा मोटी होती है जिससे इसे सर्दी नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि शेर तथा हिरण घास वाले मैदानों पर ही पराए क्यों मिलते हैं, घास वाले मैदानों में क्यों मिलते हैं, कि शेर और जो हिरण होते हैं इनका रंग जो है वो मैटमैला होता है, तो हम इसमें लिखेंगे कि इनका मैटमैला रंग इन्हें सूखे घास वाले मैदानों में छिपाए रखते हैं, इनकी आंखें सामने होती हैं, इन्हें दूर का भी जो है वो साफ दिखाई देता है, ये तेज भागते हैं, और घास के मैदान में रहने के लिए इनमें कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। अब कार्यपत्रक चार पूरा होने के बाद ये यहाँ पर पार्ट टेंथ आ जाता है, और ये पार्ट टेंथ जो है मैं नई वीडियो में ही आपको समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।